गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. थॉट ऑफ द डे, द साइन ऑफ अ ब्यूटीफुल पर्सन इज दैट दे ऑलवेज सी ब्यूटी इन अदर्स. मीन्स एक अच्छे इंसान का संकेत है कि वो हमेशा दूसरों की अच्छाई को देखता है. मीन्स जो अच्छा इंसान होता है वो दूसरों में कमियां नहीं, दूसरों की अच्छाइयों को ही ढूंढता है, इधर उधर चुंगली नहीं करता है. मीन्स हमेशा सब में आप लोग जो भी दूसरों से हमेशा अच्छी चीज़ें सीखिए तो आप भी एक अच्छे इंसान बनेंगे. आई हैव टीच यू दिस चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो, सो टुडे आई रिपीट इट. सेफ्टी रूल्स चैप्टर 7. व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी रूल्स? सेफ्टी रूल्स का क्या मतलब होता है? दीज आर रूल्स मे फॉर आवर सेफ्टी टू कीप अस सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट एंड डेंजरस. मीन्स सेफ्टी रूल्स क्या होता है? जो हमें दुर्घटना और खतरे से बचाता है. अगर हम इसको फॉलो करें, इसके रूल्स, सेफ्टी रूल्स को, तो हमें कुछ नहीं होगा, हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं. अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या रिपीट करेंगे? सेफ्टी रूल्स एट होम, इन स्कूल, इन द प्ले ग्राउंड, ऑन द रोड, इन व्हीकल्स एंड इन द स्विमिंग पूल. मीन्स सेफ्टी रूल्स घर में हम लोग फॉलो करें तो घर में क्या करना चाहिए क्या नहीं, स्कूल में, खेल के मैदान में, रोड पर, वाहनों में और स्विमिंग पूल में. एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस. जो दुर्घटना होती है वो कहीं भी किसी भी जगह पर हो सकती है. दे मेक अस इंजरी एंड पेन. ऑल ऑफ अस नीड टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स डैट कैन सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स. और एक्सीडेंट जब कहीं पर भी हो सकते हैं तो हमें चोट भी लग सकती है और हमारे बॉडी में दर्द भी हो सकता है. तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग जो सेफ्टी रूल्स हैं, जो सुरक्षा के नियम हैं, उसको फॉलो करें ताकि हम लोग दुर्घटनाओं से बच सकें. सेफ्टी रूल्स एट योर होम. हाउ टू बी सेफ एट होम. अब हम लोग वो देखेंगे जिससे हम लोग घर पे कैसे सेफ रख सकते हैं. सेफ्टी रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे. स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायर्स, गैस स्टोव्स, टोस्टर्स, आयरन बॉक्सेस, इलेक्ट्रिक फैंस व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम दीज. मीन्स जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, तार और गैस स्टोव जहाँ पे खाना बनाया जाता है, टोस्टर्स और आयरन बॉक्स, इलेक्ट्रिक फैन, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए. उनके स्विच से प्ले या खेल नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक में बिजली के झटके लग सकते हैं. डू नॉट प्ले विथ मैचेस और कैंडल्स एज दे मेक अस बर्न. कभी भी मैचस्टिक, जो माचिस की तीलियाँ होती हैं, और कैंडल्स, मोमबत्तियाँ, इन सब से खेल नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, हम लोग जल जाएंगे. डू नॉट लीव सोप ऑन द फ्लोर ऑफ द बाथरूम. यू मे स्लिप एट एंड फॉल. वॉशरूम में जो बाथरूम होता है वहाँ पे साबुन को जो है उसके जहाँ पे वो रखा जाता है उसके प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. अगर फर्श पे गिरा तो आप लोगों को ही चोट लग के आप स्लिप कर जाओगे और आपको गिर के आपको चोट लग जाएगी. नेवर हैव मेडिसिंस अनलेस प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर. कभी भी बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. डू नॉट टीज और इरीटेट पेट्स और स्ट्रीट एनिमल्स, दे मे बाइट यू. कभी भी जो है, जो पेट एनिमल्स होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, या गली में जो डॉग या कोई भी एनिमल अगर जा रहा है तो उसे कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, वो आपको बाइट यू, वो आपको काट लेगा. अवॉइड टचिंग पॉइंटेड और शार्प इंजेक्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक नीडल्स, नाइफ्स, ब्लेड्स एक्सेट्रा. दीज ऑब्जेक्ट्स मे कट यू एंड
लीडिंग टू इंजरी। हम लोगों को हमेशा जो है क्या करना चाहिए, जितनी भी ये शार्प चीज़ें होती हैं, नुकीली चीज़ें, उससे दूर रहना चाहिए, जैसे कि सुई, चाकू और ब्लेड, ये सबसे। वरना क्या होगा, आपका हैंड में आप कट हो जाएगा और आपको चोट लग जाएगी, फिर ब्लडिंग होगी। लुक एट दिस पिक्चर, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विचेस, इससे जो है दूर रहना चाहिए। अदरवाइज यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम दिस वन, इससे आप लोगों को बिजली के झटके लग सकते हैं। ये देखिए सोप ऐसे फर्श पे डाल दिया, फिर क्या हुआ, मे यू स्लिप एंड फॉल। डू नॉट टीज एनिमल्स अदरवाइज यू मे बाइट यू, ये आपको काट लेगा। डू नॉट प्ले विथ नाइफ एंड ब्लेड्स, सीजर्स, जितनी भी नुकीली चीज़ें होती उससे दूर रहना चाहिए। यू कैन कट योर फिंगर्स, आपके हाथ कट सकते हैं इससे। इन स्कूल, अब स्कूल में कैसे सेफ्टी रखते हैं। डू नॉट शार्पन द पेंसिल विथ द नाइफ और ब्लेड, पेंसिल को शार्प जो है कभी भी चाकू से या ब्लेड से नहीं करना चाहिए। नेवर रन विथ योर स्कूल बैग्स, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट, कभी भी जो है स्कूल बैग के साथ रन दौड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज आप गिर जाएंगे, आपको चोट आ जाएगी। नेवर जंप ऑन द डेस्क्स इनसाइड द क्लासरूम, कभी भी जो है क्लासरूम में, आप जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, जो आपकी कक्षा है, उसके डेस्क पे जंप नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। डू नॉट कीप योर हैंड क्लोज टू द फ्रेम ऑफ द विंडो, द विंडो में बैंग सट एंड हर्ट यू, कभी भी आप लोग जो है जो स्कूल की जो भी विंडोज़ होती हैं या बस की, उससे बाहर अपने हैंड को नहीं निकालना चाहिए, वरना आप लोगों को चोट लग जाएगी। डू नॉट रन ऑन द रोड, कभी भी रोड पे ऐसे नहीं जो है दौड़ना चाहिए। एंड डू नॉट जंप ऑन द डेक्स, जंप इस पर डेस्क पे भी जंप नहीं करना चाहिए। होल्ड द रेलिंग्स व्हील क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, नेवर रन ऑन द स्टेयर्स, कभी भी ऐसे दौड़ते हुए ऊपर नीचे सीढ़ियों पे नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर हो या स्कूल हो, नहीं तो आप लोगों को चोट लग जाएगी। इन द प्लेग्राउंड, अब प्लेग्राउंड में सेफ्टी हम लोग कैसे रख सकते हैं। प्ले अ सेफ गेम, हमेशा हम लोगों को एक सुरक्षित खेल ही खेलना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम द थ्रोनिंग प्लांट्स एंड बर्बर्ड वायर्स, और हमेशा कांटेदार पौधों से दूर रहना चाहिए। डू नॉट पुश योर फ्रेंड्स और फाइट विद देम, अब भी कभी भी अपने फ्रेंड को धक्का नहीं देना चाहिए, वरना और ना ही लड़ाई करनी चाहिए, वरना आप लोगों को चोट लग सकती है। ऑन द रोड, अब सड़क पर, पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ड्राइवर्स ड्राइव केयरलेसली और वेरी फास्ट, मीन्स ट्रैफिक रूल्स को जो लोग फॉलो नहीं करते उनका ही एक्सीडेंट होता है। और अगर ड्राइवर कभी भी जो गाड़ी चलाता है वो सही से नहीं चलाता है, बहुत तेज़ चलाता है, तब रोड पे एक्सीडेंट होता है। वी डू नॉट वॉक केयरफुली, और जो लोग जो है सही से सड़क पे नहीं चलते हैं केयरफुल होकर ध्यानपूर्वक, उनका भी एक्सीडेंट होता है, मतलब दुर्घटनाओं का यही लक्षण। कब हमेशा डूज एंड डोंट्स, अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वी अलर्ट एंड केयरफुल ऑन द रोड, हमेशा जो है सड़क पर केयरफुल होकर ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ इफ़ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ट्रैफिक, मीन्स हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए और हमें सड़क के राइट साइड पर ही चलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी भी प्ले और रन मतलब ना दौड़ना चाहिए और ना खेलना चाहिए सड़क पर। डू नॉट प्ले ऑन द रोड,
डू नॉट नियर स्टे डॉग्स और अदर स्टे एनिमल्स, और डॉग हो या कोई अदर एनिमल हो तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। नेवर वॉक ऑन द रेलवे ट्रैक्स, कभी भी रेलवे ट्रैक जो रेल की पटरियाँ होती हैं उस पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पैर फंसने से क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सेफ्टी रूल्स विल क्रॉसिंग द रोड, अब जो हम लोग रोड क्रॉस करते हैं उसके लिए सुरक्षा के लिए क्या नियम है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज पेडेस्ट्रियन लाइट्स, रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट। ये रोड के साइड में ऐसे होता है, तो क्या होता है कि जब रेड लाइट ऑन हो तो हम लोगों को रुक जाना चाहिए। रेड लाइट क्या डिनोट करता है, स्टॉप, एंड ग्रीन लाइट गो, मींस जब रेड लाइट हो तो हमें रुक जाना चाहिए और जब ग्रीन लाइट हो तब चलना चाहिए। पेडेस्ट्रियन लाइट होता है मींस पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए ये लाइट बनाई गई है। इन व्हीकल्स, अब वाहनों में जो है कैसे हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। स्टैंड इन अ क्यू विल वेटिंग फॉर और बोर्डिंग द बस, हमेशा बस में जब भी चढ़ें तो लाइन से पंक्ति बना के चढ़ना चाहिए और सीट बेल्ट लगाना चाहिए। स्टे सीटेड विल द बस इज मूविंग, और हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए जो आगे बैठते हैं, मतलब जो कार वगैरह में बैठते हैं, और बस पे इधर उधर जंप नहीं करना चाहिए, सीट पर ही अपने बैठना चाहिए। टॉक सॉफ्टली सो डैट द बस ड्राइवर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ड्राइविंग, जब भी हम लोगों को, जब भी आप बस में बैठिए तो बिल्कुल साइलेंट या सॉफ्टली बात करिए, मतलब धीमे बात करिए, क्योंकि क्या होता है कि बस ड्राइवर जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं तो उनको ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम आती है। डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस, और बस के बाहर कभी भी जो विंडो होती है उसके बाहर अपनी कभी भी वो हैंड नहीं निकालना चाहिए। ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार, स्पेशली इफ़ यू आर सीटिंग ऑन द फ्रंट सीट, जब भी आप लोग कार में बैठ ड्राइविंग ट्रैवल करिए तो सीट जो फ्रंट पे बैठते हैं, जो आगे बैठते हैं उनको सीट बेल्ट का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इन द स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग पूल में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। स्विमिंग पूल ओनली इन अ प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, जब भी आप स्विमिंग पूल स्विमिंग करिए तो आप कोई भी बड़ा हो, कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हो तभी करिए। Use floats on rubber tubes if you are learning how to swim. जब भी आप swimming सीखिए, तैरना सीखिए, तो rubber का या float का use ज़रूर करना चाहिए। Never go to the deep end of a pool. कभी भी गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। Do not swim in tanks or ponds. It is not safe. कभी भी tanks या ponds होता है, टंकी या जो तालाब वगैरह, वहाँ पर स्विम नहीं करना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेफ नहीं होता, सुरक्षित नहीं होता है। ये तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेफ्टी रूल्स के बारे में देखिएगा, पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करिएगा, समझिएगा। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये फोर ऑप्शंस हैं, इसमें से जो करेक्ट होगा उस पर हम टिक करेंगे। इफ़ यू प्ले विथ अ नाइफ और सीजर्स यू माइट गेट, यदि आप लोग नाइफ मीन्स चाकू एंड सीजर मीन्स कैची, इससे आप लोग प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो आप क्या होगा, बर्न, हर्ट, शॉक, कट, मीन्स जलेंगे आप लोग, या फिर आपको चोट लगेगी, या इलेक्ट्रिक शॉक जो झटका लगता है, या कट, तो इन नुकीली चीज़ों से आप लोग का फिंगर कट हो सकता है, कट, ठीक था, कट। व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट टर्न्स ग्रीन वी शुड, जब भी जो पेडेस्ट्रियन लाइट होता है जब वो ऑन हो तब उसका मीन्स क्या होता है, मूव मीन्स जाना। नेवर टॉक मेडिसिन अनलेस प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, मीन्स कभी भी जो है जो भी दवा, ऐसे दवा नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर के परमिशन के। नेवर टॉक टू द ड्राइवर व्हेन ही इज ड्राइविंग, जब भी ड्राइवर जो है ड्राइविंग करे, गाड़ी चलाए, तो बात नहीं करना, नहीं करते हैं ना, नहीं करना चाहिए। बी
state whether the following statements are true T or false F. We should play on the road. रोड पर खेलना चाहिए. नो, फॉल्स. वी कैन जम्प एंड डांस इन द क्लासरूम बिफोर द टीचर अराइव. टीचर के पहुँचने के पहले हम लोग को क्लास में कूदना चाहिए या क्लास में डांस करना चाहिए, शोर करना चाहिए. यस और नो? नो, फॉल्स. इट्स नॉट राइट. वी शुड नॉट रन इन द मिडिल ऑफ द रोड. कभी भी सड़क के बीच में दौड़ना नहीं चाहिए. यस, ट्रू. स्विम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. तब हमेशा स्विमिंग जब भी आप लोग करिए तो केवल जब बड़े वहाँ पे उपस्थित हो तभी. ट्रू. इन केस यू आर हर्ट यू शुड नॉट कॉल एनीवन फॉर हेल्प. जब कभी भी आपको चोट लग जाए तो किसी को नहीं आपको मदद के लिए बुलाना चाहिए. फॉल्स. आपको तुरंत किसी ना किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए. इसमें ये वाला फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कॉपी में राइट करना है और बाकी बुक्स में फिल करना है. सी, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. ये भी कॉपी में आपको फिल करना है और बुक में भी. नंबर वन, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स पेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द रोड फॉर सेफ क्रॉसिंग. जो ब्लैक एंड वाइट की पट्टियाँ सड़क पे बनी होती हैं रोड पर क्रॉस करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग. एन एग्जाम्पल ऑफ अ शार्प ऑब्जेक्ट. किसी भी नुकीली चीज़ का एग्जाम्पल, नाइफ, सीजर्स. पीपल हु वॉक ऑन द रोड. जब लोग पार करते हैं रोड को, उस जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए क्या बनाया गया? पेडेस्ट्रियंस. लाइट का यूज बताया गया ना. यू शुड यूज दिस इफ यू आर लर्निंग हाउ टू स्विम. फ्लॉट्स या रबर ट्यूब. मीन्स जब भी हम लोगों को स्विमिंग सीखना हो तो रबर ट्यूब या फ्लॉट का यूज करना चाहिए. इसका मतलब होता है नाव. Give two examples of the following. Safety rules to be followed on the road. अब सेफ्टी रूल्स के यहाँ पे टू एग्जाम्पल राइट करने हैं. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग ओनली. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग ओनली. जब भी रोड को क्रॉस करना हो तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही करना चाहिए. डू नॉट क्रॉस द रोड वेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज रेड. जब भी पेडेस्ट्रियन लाइट जो पैदल यात्री के लिए जो बनाया गया है अगर वो रेड है तो सड़क कभी भी पार नहीं करनी चाहिए. जब वो ग्रीन हो जाए वो लाइट तभी पार करना चाहिए. सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द स्विमिंग पूल. अब सेफ, अभी तो ये रोड का हुआ कि रोड के लिए हम लोग क्या सेफ्टी रूल्स हैं. अब स्विमिंग पूल्स के लिए, Never go to the deep end of a pool. Never go to the deep end of a pool. कभी भी पुल जहाँ जो पुल होता है वो जो जहाँ गहरा होता है वहाँ पे नहीं जाना होता है. Swim only in a presence of an adult. जब भी आप लोग स्विमिंग सीखिए तो वहाँ पे कोई बड़ा प्रेजेंट हो. ये भी जिस पे टिक लगा है वो कॉपी में फिल करना है. Answer the following questions briefly. Name two pointed or sharp object objects found at home. Should you play with them? टू ऐसे शार्प चीज़ों की आप लोगों को एग्जाम्पल देना है जो आपके घर पर आपको मिलता है. और should you play with them? क्या उसके साथ खेलना चाहिए नुकीली चीज़ों के साथ? Scissors and knives are the two sharp objects found at home. Scissors and knife are two sharp objects found at home. मतलब कैंची और चाकू, ये हमें ये नुकीली चीज़ें होती हैं जो हमें घर पे मिलता है.
वी शुड नॉट प्ले विद देम, इसके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। वाई शुड यू नॉट कीप योर हैंड नेवर द विंडो फ्रेम, कभी भी जो विंडो का फ्रेम होता है उससे हमें हैंड बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। वी शुड नॉट कीप आवर हैंड क्लोज टू द विंडो फ्रेम बिकॉज द विंडो मे बैंग शट ड्यू टू द वाइंड एंड शट आउट हैंड। मीन्स आप यहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं फिल करने के लिए बुक को। विंडो से फ्रेम कभी भी हैंड इसलिए निकालना चाहिए वरना आपके हैंड को अगर हवा चली या कुछ ऐसा हुआ तो आप, या तेज झटका लगा तो हाथ जो है आपको चोट लग सकती है हाथ में। वाई शुड वी नॉट मेक नॉइस इन अ मूविंग बस, क्यों बस में तेज आवाज़ में तेज आवाज शोर नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट मेक नॉइस बिकॉज द नॉइस कैन डिस्टर्ब द ड्राइवर एंड दिस मे कॉज ऑन एन एक्सीडेंट। वी शुड नॉट मेक नॉइस बिकॉज द नॉइस कैन डिस्टर्ब द ड्राइवर एंड दिस मे कॉज एन एक्सीडेंट। हमें बस में तेज आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर अगर डिस्टर्ब हुआ तो एक्सीडेंट दुर्घटना हो सकती है। What should we do before crossing the road on the zebra crossing? सड़क पार करने से पहले zebra crossing पर क्या करना चाहिए। When using the zebra crossing, always look to your right and to left and once again right to make sure that no vehicles are coming too close and then cross the road. मीन्स पहले जेब्रा क्रॉसिंग पे जब हम लोग खड़े होते हैं तो पहले हम लोगों को योर लेफ्ट दाएं देखिए, फिर बाएं देखिए, फिर दाएं देखिए, अगर कोई व्हीकल्स कोई गाड़ी नहीं आ रही है तब रोड को पार करना चाहिए। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में और बुक में फिल कर लीजिएगा। ये बस आपको बुक में क्वेश्चन आंसर फिल करना है, कॉपी में नहीं करना है। टेक द पिक्चर्स डैट सो सेफ actions and cross out the ones that show the wrong action. जो correct action है उस पर आप टिक करेंगे and जो wrong action है उस पर cross करेंगे। Marcus is swimming for the first time without using float or rubber tube. जो Marcus है वो swimming first time कर रहा है, पहली बार कर रहा है, लेकिन कोई भी rubber tube या नाव का use नहीं किया है, तो it's wrong cross. सैफ इज क्राइंग सेफली विथ हिज सिस्टर जोयास हेल्प। जो ये बॉय है वो अपनी सिस्टर की हेल्प से साइकिल चलाना सीख रहा है, तो ये सेफ है क्योंकि यहाँ पर उसको उसकी सिस्टर उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो इट्स करेक्ट। शीला इज कटिंग वेजिटेबल्स ऑन हर ओन द किचन। ये बिना किसी छोटी है अभी शीला और बिना किसी की हेल्प के शार्प चीज़ों से वेजिटेबल कट रही है, तो ये रॉन्ग है, अभी छोटी है, नहीं करना चाहिए ऐसा। दे आर क्रॉसिंग द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, करेक्ट। विनय इज टेसिंग द बॉल ऑन द रोड। जो विनय है वो ऑन द रोड रोड पर प्ले कर रहा है, इट्स रॉन्ग। राजू इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल, ही इज रनिंग विथ हिज स्कूल बैग ऑन हिज बैग। राहुल को स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है और वो बैग भी कैरी किए हुए है और बैग के साथ वो दौड़ रहा है, तो ये अगर गिरेगा तो बहुत चोट लग जाएगी उसे, ये रॉन्ग है। प्रोजेक्ट वर्क ये से पहले वाले में चार्ट में सबका नहीं आया था, तो आप लोग सब लोग चार्ट पेपर तैयार करके दे दीजिएगा वरना कॉपी में ही आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिए। ड्रॉ अ रोड विथ जेब्रा क्रॉसिंग एंड ट्रैफिक लाइट ऑन अ चार्ट पेपर, कलर इट एंड शो इट इन योर क्लास। अब क्लास में तो है नहीं, आप लोग कॉपी में ही जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक लाइट का एक पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू फ्रॉम वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर।
दिस कैन हैपन एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस, कभी भी कहीं पे भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। दुर्घटना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सीडेंट। स्पेलिंग ऑफ दिस एक्सीडेंट ACCIDENT, एक्सीडेंट। यू शुड नॉट डू दिस इनसाइड योर क्लासरूम, क्लास में क्या नहीं करना चाहिए? जंप, JUMP, जंप। यू शुड कीप अवे फ्रॉम सच प्लांट्स, किस प्लांट से हमें जो है दूर रहना चाहिए? थ्रोनी प्लांट्स मीन्स कटीरेदार, THORNY, थ्रोनी प्लांट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वेयर दिस वाइल ड्राइविंग अ कार और सीटिंग ऑन द फ्रंट सीट, जो फ्रंट सीट पे होता है उससे क्या पहनना चाहिए? सीट बेल्ट, SEAT, सीट BELT, बेल्ट, सीट बेल्ट। फन एक्टिविटी, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर डेट स्टार्ट विद द फॉलोइंग लेटर्स, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एस फॉर, इस चैप्टर में जो भी न्यू वर्ड्स हैं उसके बारे में फर्स्ट लेटर है उस राइट करना है। एस सेफ्टी, ए एक्सीडेंट, जेड जेब्रा क्रॉसिंग, टी ट्रैफिक रूल्स। और ये भी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है ट्रैफिक सिग्नल का। ट्रैफिक सिग्नल मीन्स फर्स्ट क्या होता है? रेड येलो ग्रीन, ऐसे सिग्नल आपको बना के, रेड मीन्स स्टॉप मूविंग मतलब रुकना, येलो मीन्स वेट इंतज़ार करना, गो ग्रीन मीन्स गो जाना। तो ये आप लोगों को ऐसे ही कंप्लीट कॉपी में फिल करके कलर करना है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लीजिएगा। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, मीन्स एक कॉपी में फिल करना है। ये बुक पूरी आप लोगों को फिल करनी है कॉपी में, बस इससे पहले वर्ड मीनिंग था और चूज द करेक्ट वर्ड, ये आंसर एंड गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, नंबर टू गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग, ये थ्री आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर वन का टेस्ट होगा, तो ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा।